सो गाइस, सैमसंग यार इंडिया का सबसे ट्रस्टेड स्मार्टफोन ब्रांड है, क्योंकि आपको जो सैमसंग सर्विसेज स्मार्टफोन क्वालिटी प्रोवाइड करता है वो अदर स्मार्टफोन ब्रांड प्रोवाइड नहीं करता। इसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं सैमसंग का स्मार्टफोन परचेज करना। तो यार सैमसंग एक और स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। अमेजोन पर उसका पेज भी आ चुका है, जो की होने वाला है गैलेक्सी M32, जो आपको 21 जून को इंडिया में अमेजोन के ऊपर लॉन्च हो जाएगा। तो बात करें इसकी डिस्प्ले से, तो इसके अंदर आपको 4 इंच की एक फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 90Hz की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी। साथ ही में आपको इन्फिनिटी यू स्टाइल के अंदर आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। वहीं रियर के अंदर आपको क्वाड कैम सेटअप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी मिलने वाला है। साथ में फ्रंट और बैक में दोनों में ही आपको वीडियो स्टेबिलाईजेशन के लिए EIS का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर आपको 6000mAh की बड़ी बैटरी मिलने वाली है, जो की 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और साथ ही में आपको इसके अंदर पावर के लिए MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है यार। हाँ, ये प्रोसेसर इस प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है, लेकिन ये प्रोसेसर एटलीस्ट आपको Exynos 9611 से तो बेटर ही देखने को मिल जाता है। साथ ही में गाइस, मैं आपको बता दूं, ये स्मार्टफोन आपको 4G वेरिएंट के साथ ही इंडिया में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। इसके अलावा आपको इसके बैक और फ्रेम दोनों ही प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, और फ्रंट के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। वो इसके अलावा आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 3.5mm जैक, टाइप सी चार्जिंग के लिए पोर्ट फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। सो वही बात करें लॉन्च और प्राइस डेट की, तो मैं आपको लॉन्च पहले ही बता चुका हूँ कि ये 21 जून को इंडिया के अमेजोन के ऊपर लॉन्च हो जाएगा। वही प्राइस की बात करूँ तो गाइज, इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 6128 वेरियंट की अराउंड आपको 17,000 से 18,000 के अराउंड देखने को मिलेगी, जो की काफी अच्छी बात है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय एंड टेक केयर।